Please subscribe and share SWA News. टैलेंटेड बच्चे को आगे बढ़ाने में जो कोई भी मदद लगे बिल्कुल, यहाँ जी अराफात शेख इनके साथ रहेगा। इत्तेफाक से आज ईशा कोपीकर भी आने वाली थी, शहजाद खान भी आने वाले थे, लेकिन वो आज दुबई में होने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने भी खासतौर पर बधाई दी। अगली बार हम ज़रूर कई बड़े अच्छे चेहरों के साथ में, कई अच्छे कंपनीज के साथ में, कई अच्छे टेलीविजन्स के बड़े चैनल्स के साथ में हम गुरमीत जी को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि और बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। इस नवी मुंबई के प्लेटफॉर्म से हमारा बच्चा देश के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए और आगे बढ़े, तरक्की की राह पे जाए। इसके लिए पूरी मदद गुरमीत जी को हाजी अराफात शेख करेगा। हमारे साथ में हमारे पप्पू, मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे साथ में, तो उनकी भी काफ़ी मेहनत रही। तो बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जहाँ कहीं भी हाजी अराफात शेख की आवाज़ जा रही, चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा सेटअप है, और अच्छा सर और टीचर की तरीके कहूँगा कि एक फादर किस तरीके से अपने बच्चों को समेट के लेके चलता है, उसी तरीके से गुरमीत जी हर बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा करने के लिए, उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत लगाते हैं। उनके साथ में ये सारी टीम है, उन सभी टीम को मैं पूरी पूरी बधाई दूंगा। मेरी जब कभी भी मदद लगे, हाजी अराफात शेख पूरी पार्टी के साथ अच्छे कामों के लिए इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। गुरमीत जी को मैं बहुत शुभकामना दूंगा। अपनी 2019 में इनका शो हुआ था, आज 2 साल के बाद हो रहा है ये शो, और 2 साल इनकी एंट्री पेंडिंग चल रही थी, और कोरोना भी खत्म हुआ है, उसका शो हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कितनी एनर्जी देखने समझ आ रहा है कि मतलब कितने लोग घरों में बैठे बैठे परेशान हो गए थे, तो वापस से मार्केट हमारी ओपन हुई है, शो चालू में, सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बचपन याद आता है सर? हमारा बचपन तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन अच्छा लगता है देख के बच्चों को, जितना कॉन्फिडेंस बच्चों में आजकल है सोशल मीडिया पर, इतना जैसे हमारे टाइम में नहीं होता था, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में नॉलेज वगैरह है, जैसे उन्होंने अपना मैसेज इतने अच्छे दिए, तो अच्छा लगता है देख के। सर मैं तो जीत रहती है, हमेशा जिंदगी में खुश रहो, एक ही लाइफ मिली, उसको एंजॉय करो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हम लोग काफी सालों से गुरमीत सर के साथ एसोसिएटेड है,
लैक्मे एकेडमी हमेशा ही गुरमीत सर के इवेंट्स को सपोर्ट करती आई है और इस इवेंट के थ्रू हमारे भी स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है बहुत ही अच्छा एंड ऑफकोर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। जितने जन यहाँ पे कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सर ने, तो गुड विशेस टू देम। लोकपत का रोल रहा है कि वो सभी को सपोर्ट करें बट व्हेन इट कम्स टू गुरमीत गरा एंड द वे लाइक ही कंडक्ट द शो ही क्रिएट्स अ डिफरेंट फोरम ऑल टुगेदर और जिसके कारण हर प्रकार के जो एज के बच्चे हैं उनको एक बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिलती है। ये खुद बहुत अच्छे एक मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी हाई प्रोफाइल में ऑलरेडी इन्होंने काम किया है तो ये समझते हैं कि आज का दौर क्या कहलाता है और आज के दौर में बच्चों को कैसे ग्रूम करना है। टुडे इज अ वेरी वेरी ग्रेट डे, टुडे इज अ फादर्स डे और सारे फादर्स को मेरे ख्याल से यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा अपने अपने बच्चों को स्टेज पे देखते हुए और परफॉर्म करते हुए। सो दिस इज अ ग्रेट डे एंड दिस इज अ ग्रेट शो, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज सीजन 5। सो इटसेल्फ ये बताता है कि इसको किस प्रकार से एक्सेप्टेंस मिल रहा है नवी मुंबई। और आज हमने शो प्रेजेंट किया है चार्मिंग प्रिंस एंड प्रिंसेस इंडिया 2022 सीजन 5 जो कि बिगेस्ट पर्सनैलिटी पेजेंट है और आज उनका उसका सीजन 5 है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि भले जो भी मुश्किलें आई जो भी हुआ लेकिन बट हमने शो पुटअप किया और मैं बहुत मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स के लिए बैक स्टेज एंड ऑल और बस थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा से सर और मैम दोनों के साथ हैं और रही बात जज करने की बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट इज रियली आई फील वेरी गुड टू लाइक जज दो किड्स एंड दे आर सो टैलेंटेड, दे आर ऑलरेडी सो वेल ग्रूम्ड एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरमीत गरा ग्रूमिंग बॉडी अकेडमी एंड दैट्स वाई इट्स अमेजिंग टू सी किड्स एंड टीन्स हियर। They are here from left to right, right to left. पूरी इनकी सेना जो है ना, the squad comes. A big thank you to Lakme Academy Kharghar once again. So we're going to felicitate them with the certificates. Thank you.
We'll be right back.